विराट कोहली की T20 कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा की बतौर कप्तान ये पहली सीरीज थी जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को शानदार तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया है। इस पूरी सीरीज में रोहित शर्मा की कप्तानी पर सबकी नजर थी। कप्तानी के इस इम्तिहान में रोहित शर्मा ने शानदार सफलता हासिल की है। टीम इंडिया ने जयपुर और रांची में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद कोलकाता में भी न्यूजीलैंड को हरा दिया है। आखिरी T20 में भारतीय टीम ने 73 रनों से भी बड़ी जीत हासिल करी और इसी के साथ न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर दिया है। बता दें कि टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले भी टीम इंडिया न्यूजीलैंड को उसके घर पर ही 5-0 से रौंद कर आई थी। तो खैर, भारत से मिली इस बड़ी क्लीन स्वीप के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान का गुस्सा फूट गया और न्यूजीलैंड के कप्तान ने एक बहुत ही बड़ा बयान भारत को लेकर दे दिया है। खैर, भारत से लगातार क्लीन स्वीप मिलने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान के सुर बदल गए हैं। जो भारत को कमजोर आंक रहे थे, भारतीय टीम को बेकार बता रहे थे, उन्हीं टीम के कप्तान ने एक बहुत ही बड़ी बात कह डाली और इस नई भारतीय टीम के बारे में जो उन्होंने बात कही, सुनकर या देखकर हर भारतीय हैरान रह गया है। तो आइए जानते हैं इस नई टीम के बारे में न्यूजीलैंड के कप्तान ने क्या कहा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। पहले तो आइए जानते हैं इस मुकाबले में हुआ क्या है और उसके बाद जानेंगे न्यूजीलैंड के कप्तान ने क्या कहा। कोलकाता में भी रोहित शर्मा ने टॉस जीता, लेकिन इस बार भारतीय कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत को रोहित और ईशान किशन ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने महज 38 गेंद पर 69 रनों की साझेदारी करी। ईशान किशन और रोहित शर्मा ने खुलकर शॉट खेले। हालांकि सातवें ओवर में मिचेल सैंटनर ने आते ही टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई। पहले ईशान किशन, उसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत भी महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक भी जमाया। अर्धशतक जमाने के तुरंत बाद इस सोडी ने रोहित को बेहतरीन कैच लपक कर टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया। श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने उपयोगी बल्लेबाजी की। श्रेयस ने 25 और वेंकटेश ने 20 रन बनाए। अंत में दीपक चाहर ने ताबड़तोड़ 8 गेंद में 21 रन बनाए। टीम इंडिया ने बैटिंग करते हुए 184 रन बनाने में कामयाब रही और लक्ष्य का पीछा करने उतरी। कीवी टीम की शुरुआत भी शानदार रही, लेकिन लगातार विकेट वो गंवाते गए। बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में जो भारत ने 184 रन बना सके, कीवी टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। वे मैच 111 रन पर ही सिमट गई। कीवी टीम के लिए सबसे ज्यादा 51 रन मार्टिन गप्टिल ने बनाए। भारत के लिए अक्षर पटेल ने 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हर्षल को 2 विकेट मिले और युजवेंद्र चहल और वेंकटेश अय्यर और दीपक चहर को भी एक एक विकेट मिला है। खैर, अब आइए जानते हैं किस तरह से कीवियों के स्वर बदल चुके हैं और उन्होंने भारत को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, T20 विश्व कप के फाइनल में 14 नवंबर को दुबई के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने खेला और उसके बाद हम महज 72 घंटे के अंदर ही भारत आ गए। 17 नवंबर से T20 सीरीज का पहला मैच खेला था। न्यूजीलैंड ने पहला मैच 5 और दूसरा मैच 7 विकेट से गंवाया और तीसरे मैच में भी उन्होंने हार का सामना किया। विश्व कप की फाइनल खेलने वाली टीम भारत से इस तरह से औंधे मुंह हार गई कि उनके पास कोई शब्द नहीं है। टिम साउदी ने कहा, T20 विश्व कप के बाद ये काफी व्यस्त कार्यक्रम था। हम हालात के अनुकूल ढल नहीं सके और उसकी वजह से हमें तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, वो व्यस्त कार्यक्रम को इसकी वजह बता रहे हैं। तो वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी मैक लेनागन ट्विटर पर फैंस के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी बीच किसी फैंस ने लिखा, न्यूजीलैंड भारत से हार गया। मैक लेनागन ने एक बहुत ही बड़ा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, क्या वे हार गए? आपका मतलब T20 विश्व कप के 72 घंटे बाद 5 दिन में 3 मैच खेलने का मतलब एक बेमतलब की सीरीज खेलना है, जिसमें वो ऐसी टीम के साथ खेल रही हैं जो अपनी घरेलू परिस्थितियों में 10 दिन आराम करने के बाद खेल रही है। यानी कि वो इसे बेमतलब की सीरीज बता रहे हैं। जब आप हार गए तो ये बेमतलब की सीरीज हुई और ऐसा नहीं है कि भारत के धुरंधर इस टीम में शामिल थे। भारत के बड़े बड़े और नामी दिग्गज खिलाड़ी तो सभी बाहर थे। अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारत ने हमें हराया इस वजह से, क्योंकि भारत बहुत मजबूत थी। भारत ने भी इसमें कई युवा खिलाड़ियों को मौका आजमाया है। ले वाकई में भारत की अच्छी क्लास दिखाई और रोहित शर्मा की कप्तानी। खैर, भारत की जीत का आप सबसे बड़ा वजह क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।